आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बसपा की अहम बैठक आज मायावती की अध्यक्षता में होगी। बैठक मिशन 2024 के लिए बनेगी रणनीति। अवैध वाहन स्टैंड के खिलाफ विशेष अभियान, आज से होगा विशेष अभियान की शुरुआत। सीएम योगी के आदेश के बाद कार्रवाई। हरदोई में बदमाशों के हौसले बुलंद, पत्रकारों के साथ लूट और मारपीट, पुलिस ने दोषियों के बजाय पत्रकारों पर की कार्रवाई। कौशाम्बी में ओवरलोड वाहनों पर कसा सिकंजा, 73 ओवरलोड वाहनों को किया गया सीज। सत्ताईस जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, पूर्व यूपी में भीषण गर्मी की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। आज से अवैध वाहन स्टैंड वसूली और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान की शुरुआत होगी। मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद ने सभी मंडलायुक्तों, पुलिस आयुक्तों, जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद कड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत आज से प्रदेश में अवैध टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड, रिक्शा स्टैंड, अवैध वाहनों के संचालन और अवैध वसूली, अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। यह विशेष अभियान 18 मई से 31 मई तक चलाया जाएगा। आपको बता दें कि कल सीएम योगी ने आदेश दिया था कि जहां पूरे प्रदेश में जहां जहां टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड और ई रिक्शा के वाहन खड़े होते हैं, अतिक्रमण जहां पे ज्यादा नजर आ रहा है वहां पे उसके खिलाफ अभियान चलाया जाए और इनको स्थानांतरित कर दिया जाए। जहां पे उचित व्यवस्था होगी वहां पे स्टैंड की व्यवस्था करी जाए ताकि आम जनता को इन समस्याओं का सामना ना करना पड़े। इसके तहत सीएम योगी ने आदेश जारी किए हैं, जिससे अधिकारी को तत्काल उनको निर्देशित किया गया है कि अवैध स्टैंडों को के साथ खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आज अवैध वाहन स्टैंड वसूली और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान की शुरुआत हो चुकी है। सीएम योगी के आदेश के बाद, उनके ट्वीट के बाद सभी अधिकारियों को इसकी सूचना दी जा चुकी है और प्रदेश में जहां जहां हर जिले में जहां अतिक्रमण की ज़्यादा संभावनाएं जिन चौराहों पर, जिन क्षेत्रों में होती है, वहां पे इसकी एक व्यवस्थित रूपरेखा तैयार की जाए और इनको विस्थापित करके ऐसी जगह पर ले जाया जाए जहाँ पर टैक्सी स्टैंडों की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि आम जनता को भीड़ का सामना न करना पड़े। मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद ने सभी मंडलायुक्तों, पुलिस आयुक्तों और जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद बड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत आज से प्रदेश के अवैध टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड, रिक्शा स्टैंड, अवैध वाहनों के संचालन और अवैध वसूली, अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस खबर पर हमारे संवाददाता मेयर से राजन और रितेश लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सीएम योगी के आदेश के बाद सभी अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है कि जहां जहां पे अवैध बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, रिक्शा स्टैंड चलाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और वहां से उस क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। सबसे पहले चलते हैं मेरठ से। अनिल, आपके मेरठ की क्या स्थिति है? राजन, आपके पास आते हैं। राजन, मेरठ में समय क्या स्थिति है? जो अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका था, आज क्या कार्रवाई उसमें की जा रही है? देखिए, बिल्कुल, प्रदेश सरकार की तरफ से समय समय पर अधिकारियों को, चाहे वो मेरठ हो, उत्तर प्रदेश के तमाम अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि जनता को जान से मुक्त दिलाए और अवैध जितने भी स्टैंड बने हुए हैं, चाहे वो बस स्टैंड हो, ऑटो स्टैंड हो, रिक्शा स्टैंड हो, उन सबों को वहां से चिन्हित करके और उन पर कार्रवाई करके उन्हें कब्जा मुक्त कराया जाए। वहीं कल एसपी ट्रैफिक जितेंद्र श्रीवास्तव से जो हमारी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने 18 अवैध स्टैंड बताए थे और अवैध ऑटो स्टैंडों के बारे में जब उन्होंने हमने उनसे बात करी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हमने 6 मुकदमे सदर थाना बाजार में दर्ज कराए थे जो अवैध रूप से संचालित थे, जो अवैध गाड़ियों को चला रहे थे। वहीं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो कब्जा मुक्त कराने का काम है वो मेरठ के नगर निगम का काम है, हमारा काम मुकदमा दर्ज कराना है, जान से लोगों को निजात दिलाने का काम है। तो बिल्कुल
मेरठ की बात करूं तो मेरठ में मेट्रो रेल का काम चल रहा है, इसको लेकर जाम की स्थिति लगातार बनी रहती है, क्योंकि मेट्रो रेल का जो काम चल रहा है उसको लेकर यातायात विभाग की तरफ से रूट डाइवर्ट भी कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं मेरठ की जनता जो जाम से फिलहाल जीत रही है और जाम से निजात काम चल रहा है, मेट्रो रेल का काम जैसे समाप्त होगा और मेरठ में मेट्रो दौड़ेगी तो उसके बाद में आम जनता को जो है जाम से निजात भी मिल पाएगी। वहीं मैं यातायात विभाग की बात करूं तो एसपी ट्रैफिक जितेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि 1,28,400 रुपए उनसे जुर्माना वसूला गया है, कई वाहनों को सीज कर दिया गया है, कई लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। वहीं कब्जा मुक्ति की बात की जाए तो कब्जा मुक्ति के लिए मेरठ नगर निगम वहां की जो चिन्हित जगहें हैं जहां पर अवैध ऑटो स्टैंड बना रखा है, अवैध ई रिक्शा स्टैंड बना रखा है, वहां से अवैध रूप से सवारियों को बिठाया जाता है, उतारा जाता है, उनकी जान से खिलवाड़ किया जाता है, उनको लेकर जो कब्जा मुक्त कराने की बात है वो मेरठ नगर निगम की है। वहीं अगर मैं गाड़ी चलाने की बात करूं, गाड़ी के कागजों की बात करूं और अवैध रूप से संचालित की बात करूं तो उस पर यातायात विभाग काम करेगा। तो यातायात विभाग लगातार मुकदमा दर्ज करा रहा है, गाड़ियों को सीज कर रहा है, उनसे जुर्माना वसूल रहा है। तो वहीं जो सवारी भरते हैं चाहे वो ऑटो रिक्शा हो, ई रिक्शा हो, बस हो, जो अवैध रूप से सड़क पर सड़क के किनारे सवारी को उतारते हैं, वहां से बिठाते हैं, तो ऐसे में सबसे बड़ी जान जो है जोखिम में है वो आम जनता की है, क्योंकि पीछे से कोई भी तेज गति में वाहन आता है वो उस गाड़ी में टक्कर मारता है और गाड़ी में बैठी हुई सवारी को जान माल का नुकसान हो सकता है। तो यातायात विभाग अपनी तरफ से मेरठ में देखा जाए तो बिल्कुल सुचारू रूप से बहुत सक्रिय है और अपनी तरीके से बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन वहीं नगर निगम की बात करूं तो नगर निगम 10 में से 0 के बराबर है, क्योंकि एक भी कार्रवाई मेरठ में नगर निगम की तरफ से उन अवैध स्टैंडों पर नहीं देखी गई जो कब्जा मुक्त करा सके। जी राजन, लखनऊ से संवाददाता रितेश के पास चलते हैं। रितेश, मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद ने सभी मंडलायुक्तों, पुलिस आयुक्तों और जिलाधिकारियों को आदेशित कर रखा है कि सीएम योगी ने जो निर्देश जारी किए थे उन निर्देश को लागू किया जाए और जल्दी से इन पर कार्रवाई किया जाए, जहां जहां अतिक्रमण होते हैं उनको चिन्हित किया जाए और इनको स्थानांतरित किया जाए जहां पर इनकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि ये आम जनता को इसे सामना न करना पड़े। उनके आदेश के बाद आज आपको कितनी कार्रवाई होती नजर आ रही हो, क्या इस पर प्रशासनिक अधिकारी एक्टिव नजर आ रहे हैं आपको? देखिए मनीष, मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी अवैध टैक्सी स्टैंड को लेकर के एक बड़ा ट्वीट किया है और ट्वीट के माध्यम से बताया गया है कि लखनऊ शहर में या उत्तर प्रदेश में जहां भी अवैध टैक्सी स्टैंड चल रहे हैं या अवैध रिक्शा स्टैंड चल रहे हैं, ई रिक्शा स्टैंड चल रहे हैं या अवैध धक्का मार वाहन चल रहे हैं, उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए और जितने भी इस तरीके से संलिप्त लोग मिलेंगे उन पर कार्रवाई करके गाड़ी को सीज किया जाए और चालान किया जाए। 48 घंटे का समय दिया गया था आज मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के, उन्होंने ये साफ कह दिया और अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया है, मंडलायुक्त को भी कह दिया गया है सभी जिलों के और जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है एसएसपी उनसे भी कह दिया गया है कि कहां पर भी इस तरीके से अनाधिकृत रूप से वाहन चल रहे हैं जिनका जो अभी टैक्सी स्टैंड नहीं है उन पर लगाम कसने की बात की जा रही है। सबसे बड़ी बात इसमें वसूली की आ रही है, जो टैक्सी स्टैंड पर वसूली होती है उसको लेकर के मुख्यमंत्री काफी नाराज है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से भू माफियाओं के पर उन्होंने शिकंजा कसा, बुलडोजर चलाया, उसके बाद अब कहीं ना कहीं जो वसूली गैंग निकल करके सामने आ रहा है तो मुख्यमंत्री के नजरों में मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंचा है, वो ब्रीफिंग वहां तक पहुंची, उसके बाद मुख्यमंत्री ने ये आदेश जारी किया है कि जितने भी उत्तर प्रदेश में अवैध टैक्सी स्टैंड हैं और जो उनको संचालित कर रहे हैं उन पर मुकदमे भी किए जाए और जो वसूली कर रहे हैं उनको उनका चिट्ठीकरण किया जाए। सबसे बड़ी बात मनीष ये बताऊं आपको कि जो परमिट वाले वाहन है यानी जो आरटीओ विभाग से जिनको परमिट मिलता है उनको बाकायदा जगह दी जाती है, नगर निगम से वेंडिंग जोन बनाया जाता है, बकायदा उसका टैक्स जमा होता है, शुल्क जमा होते हैं। तो पूरे प्रदेश में अगर बात की जाए तो हर जगह पर अभी अवैध टैक्सी स्टैंड चलाए जा रहे हैं, बस स्टैंड भी चलाए जा रहे हैं, जिस पर नकेल कसने के लिए मुख्यमंत्री ने स्वयं ट्वीट किया है और ट्वीट के बाद सभी अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया गया है। आज मुख्य सचिव ने यह पूरे अधिकारियों को निर्देशित भी किया है और पूरी तरीके से सख्ती बरतने की बात कही गई है। फिलहाल अभी अभियान शुरू हो चुका है और अभियान 31 मार्च तक चलाया जाएगा। अब 31 मार्च तक देखा जाएगा कि प्रदेश में किन किन स्टैंड को जो अवैध है उनको सील किया जाता है और उन पर जो संचालन कर रहे हैं उन पर क्या कार्रवाई की जाती है। जैसे अगर अतिक्रमण की बात करी जा रही है, वहीं पर परिवहन वाहन की अगर बात करा जाए तो पुराने, काफी पुराने वाहन जिनकी समय सीमा भी खत्म हो चुकी है वो वाहन भी रोड पे नजर आते हैं और प्रदूषण की जितनी भी मानक हो उनको सब वो पूरी तरह से फॉलो करते भी नहीं दिखते हैं। धुआं उगलता हुआ इतना ज्यादा इतने पुराने वाहनों को लेकर भी रोड पे नजर आ रहे हैं, इसको लेकर क्या अभी तक कोई कार्रवाई तो नहीं की जा रही वो भी नजर में आता है। आपको क्या लगता है परिवहन विभाग इस पे कोई एक्शन लेता क्यों नहीं दिखता है? इसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत भी दिखती है क्या? बिल्कुल मनीष, कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों की मिलीभगत जरूर सामने आ रही है, लेकिन परिवहन विभाग से 15 साल पूरे हुए हो चुके वाहन को उनको नष्टीकरण करने के लिए भी कह दिया गया, यानी 15 साल को जो वाहन पूरे कर चुके हैं
उस पर कुछ शुल्क भी मिलेगा अगर वो डिस्ट्राइव भी करते हैं उसको, यानी वाहन को बदलते हैं तो नया वाहन लेते उसमें छूट भी देने का प्रावधान किया गया है। फिलहाल अभी धड़ल्ले से 15 साल से ऊपर के भी वाहन शहर में राजधानी में चल रहे हैं, जैसे डीजल टेम्पो की बात की जाए तो डीजल टेम्पो लखनऊ राजधानी से बाहर का दिए गए हैं, ग्रामीण इलाकों में चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इस पर नकेल कसने के लिए सरकार ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है और परिवहन विभाग को जो घाटा लगता है वो मैं सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, कुछ जो अवैध टैक्सी स्टैंड होते हैं यानी जो परमिट इनका होता है, जैसे जो टाटा की गाड़ियां हैं उनकी जो परमिट होते हैं वो एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पहुंचाने के होते हैं, ना कि वो रास्ते रास्ते रोककर सवारियां बैठाने का उनका परमिट होता है। फिलहाल इस परमिट को लेकर के ही संशय काफी रह रहा है। अब प्रदेश सरकार के जो अधिकारी है वो किस तरीके से टैक्सी स्टैंड को देंगे, कैसे नगर निगम काम करेगा, कहाँ पर टैक्सी स्टैंड बनेंगे, क्योंकि जो सवारियां हैं उनको भी जाने में दिक्कत ना हो, वो भी अपने गंतव्य तक सही स्थान पर पहुंच सके, क्योंकि गाड़ियां यदि नहीं मिलेगी तो परिवहन विभाग बसों को बढ़ाए, उसमें इजाफा हो, उसकी व्यवस्थाओं को बनाने के लिए सरकार को सोचना होगा, क्योंकि आम जनता को भी समस्याओं का सामना न करना पड़े, यदि उन्हें अपने घर तक जाना है या अपने कहीं स्थान पर जाना है तो उनको साधन मुहैया हो। इस तरह से अवैध टैक्सी स्टैंड को बंद कर देना, उसको वैध बनाना, ये सरकार के नियम में आता है, नियमावली है, उसको बनाना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर संचालन किस तरीके से हो कि आम जनता को भी समस्याओं का सामना न करना पड़े। हितेश, आपको रोकना चाहेंगे, राजन सोनकर के पास चलते हैं। राजन, आपके मेरठ की अगर बात किया जाए तो मेरठ में क्या स्थिति है इस समय, कितने पुराने वाहन 15 साल के जो पूरे हो चुके हैं वो भी आपको धड़ल्ले से क्या वहां पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वो पोल्यूशन के मानकों का पालन करते नजर आ रहे हैं, क्या उनकी रोकथाम के लिए परिवहन के अधिकारी और वहां पर जो पुलिस प्रशासन है वो उस पर एक्शन लेता नजर आ रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका परिवहन विभाग को लेकर। तो परिवहन विभाग पे लगातार सवाल खड़े होते हैं और मेरठ की बात करूं तो मेरठ में भी लगातार बिना कागजों की गाड़ी चल रही है और जिनका समय समाप्त हो चुका है वो गाड़ियां भी रोड पर दौड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं मैं आरडीओ की बात करूं तो आरडीओ में दलाली खुलेआम हो रही है, लोग जाते हैं तो 100 रुपए के काम के 1000 रुपए उन्हें देने पड़ते हैं जी। और जो दलाल हैं उनके माध्यम से वहां पर काम बहुत आसानी से हो जाता है। लोगों का ये कहना है कि हमें विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ते, हम दलाल के माध्यम से काम करा लेते हैं, तो 100 रुपए की जगह जो 1000 रुपए लगते हैं उससे जनता भी खुश है कि हमें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, धूप में पसीना बहाना नहीं पड़ता, लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है। तो इन सब चीजों को देखते हुए, जबकि प्रदेश सरकार की तरफ से सब सख्त आदेश है कि इस तरीके के जितने भी काम हैं गोरख धंधे हैं उन्हें पूर्ण रूप से बिल्कुल बंद कर दिया जाए, लेकिन मेरठ की बात करूं तो मेरठ में बिल्कुल सक्रिय है। गाड़ी की बात आपने की तो गाड़ी के जिनका समय पूरा हो चुका है वो गाड़ियां भी रोड पर दौड़ रही है। वहीं यातायात विभाग इस चीज को लेकर विशेष अभियान चलाता है, लेकिन मैं आरटीओ की बात करूं यानी कि परिवहन विभाग की बात करूं तो परिवहन विभाग सिर्फ कमरे में बैठकर एसी की हवा खा रहा है, पंखे की हवा खा रहा है, सड़क पर कोई ऐसी चेकिंग परिवहन विभाग की तरफ से नजर नहीं आती जो ऐसी चीजों पर लगाम लगा सके, ऐसी गाड़ियों को सीज कर सके और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सके। राजन, सीएम योगी ने निर्देश जारी किया है कि इस पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है, तो अगर ये उधर से आदेशित किया गया कि बड़ी कार्रवाई की जा रही, क्या आपको वो बड़ी कार्रवाई जमीनी स्तर पर नजर आ रही है अभी? बिल्कुल, ये भी सवाल आपका बहुत अच्छा है कि कागजी कार्रवाई, ये सिर्फ कार्रवाई जो है धरातल पे नजर नहीं आ रही है, कागजी कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है। वहीं मैं सड़कों की बात करूं तो सड़कों पर अवैध रूप से गाड़ियां चल रही हैं, अवैध स्टैंड संचालित हैं जिन्हें चिन्हित करने का काम नगर निगम का होना चाहिए, लेकिन नगर निगम इस पर नहीं कर रहा है। वहीं आपने बहुत अच्छा सवाल किया है गाड़ियों को लेकर, मैं वाहनों को लेकर बता दूं, जिस गाड़ी में 3 सवारी पास है, जिन कागजों में 3 सवारी पे पास है, उस गाड़ी में 10-10 सवारी बिठाकर उनकी जान से खिलवाड़ किया जाता है। वहीं जो उनकी स्पीड है, स्पीड ब्रेकर लगे हुए हैं और स्पीड उनकी तय है उससे अनुरूप यानी कि उससे विपरीत चीजें चलती हैं, उसको लेकर भी विभाग की तरफ से कोई ऐसी सख्त कार्रवाई नहीं की जाती जो इन सब चीजों पर लगाम लगा सके। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही है जो इन सब चीजों पर छूट है। तो जब हादसा हो जाता है तो प्रशासन बिल्कुल सख्त हो जाता है, चेकिंग तेज कर दी जाती है, बैरिकेड लगाकर वाहनों को रोका जाता है, उनकी गाड़ियों की चेकिंग की जाती है, सीज किया जाता है, जुर्माना वसूला जाता है, लेकिन जब हादसा धीरे धीरे ठंडे बस्ते में पड़ जाता है तो उसके बाद में चीजें फिर दोबारा जाती है। वहीं स्कूलों की बात करूं तो स्कूलों में कई वाहन ऐसे चल रहे हैं जिनके कागज समाप्त हो चुके हैं, डक्कामार वाहने चल रहे हैं, डक्कामार बस चल रही है, उनमें बच्चों को लाया जाता है, ले जाया जाता है, उन्हें ढोने का काम किया जाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो शिक्षा पे तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन बच्चों की जो बच्चों का जीवन है उससे साफ तौर पर खिलवाड़ स्कूल का प्रशासन भी करता है। तो ऐसे में परिवहन विभाग और यातायात विभाग को मिलकर और संबंधित थाने को मिलकर इन स्कूलों पर भी चाबुक चलाना चाहिए, हंटर चलाना चाहिए, उनके गाड़ियों की वेरिफिकेशन होनी चाहिए, उन गाड़ियों के कागज चेक होने चाहिए कि आखिर किन गाड़ियों के कागज कंप्लीट है या नहीं, और जिन गाड़ियों के कागज कंप्लीट नहीं है उन पर सख्त कार्रवाई वाहनों पर तो होनी चाहिए, स्कूल प्रशासन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कई बार ऐसा हुआ है कि हादसे में
बच्चों की मौत हो जाती है, उसको लेकर प्रशासन अलर्ट हो जाता है, फिर कुछ दिन बाद वो जब ठंडे बस्ते में चले जाता है तो चीजें फिर दोबारा रूटीन में वही आ जाती हैं। तो स्कूल प्रशासन पे जब लगाम लगेगा, उनके खिलाफ जब कार्रवाई होगी, तो ऐसी गाड़ियों पर भी रोक लगेगी और वैध गाड़ी चलेगी जब उनके कागज होंगे। राजन, आप जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग करते हैं, आप जब से सीएम योगी ने आदेश जारी किए हैं, बात करें तो अवैध टैक्सी बस स्टैंड, रिक्शा स्टैंड या जहां भी ये सब चीजें संचालित हो रही थी, आपकी नजर में है क्या ये निर्देश जारी होने के बाद अभी आपको दिख रहा है कि वहां से पुलिस द्वारा कुछ एक्शन लेता नजर आ रहा है आपको वहां पर? सर अभियान चला रही है आदेश आने के बाद में, और आदेशों के बाद भी लगातार मेरठ यातायात विभाग का जो है अभियान वो लगातार चलता रहता है। लेकिन मेरठ के जीरो माइल चौराहे पर एक मुस्लिम समुदाय के एक ग्रुप अवैध रूप से ऑटो स्टैंड चला रहा है, पुलिस से उन्होंने सेटिंग कर रखी है, सेटिंग लेटिंग का ये पूरा खेल है। आज से करीब चार साल पहले, मतलब राजन आप ये कहना, राजन आप ये कहना चाहते हैं कि आदेश होने के बाद भी अवैध टैक्सी बस स्टैंड, रिक्शा स्टैंड अभी भी जैसे तैसे चल रहे हैं, उस पर अभी तक पुलिस महकमे या नगर निगम की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है? चलिए रितेश के पास चलते हैं। रितेश, आप लखनऊ में इस समय जमीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं और रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या इस आदेश आने के बाद अभी आपको लखनऊ में जहां अवैध टैक्सी बस स्टैंड या रिक्शा स्टैंड चल रहे थे, क्या आपको वहां पे कार्रवाई होती नजर आ रही है? क्या वो हटाते हुए नजर आ रहे हैं? क्या उसको लेकर पुलिस कहीं से या नगर निगम मुस्तैद नजर आ रहा है आपको? बता दें कि अभी जिस तरीके से आदेश दिया गया, आदेश के बाद अभी भी कहीं बस ये धरातल पर दिखता नजर नहीं आ रहा है, किसी भी जगह पर अभी कोई छापेमारी नहीं हुई है। लखनऊ में खासतौर पर अगर प्रमुख चौराहों की बात करें, इंजीनियरिंग कॉलेज, विकास नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो भी स्टैंड आते हैं, लोहिया नगर चौराहे की बात की जाए, पुरनिया चौराहे की बात की जाए, पॉलिटेक्निक चौराहे की बात की जाए, रेडी पुलिया चौराहे की बात की जाए, तो यहाँ पर अभी किसी भी प्रकार का कोई भी गतिविधियां पुलिस के द्वारा नहीं की जा रही, ना परिवहन विभाग के द्वारा, ना ही आरटीओ के द्वारा। 10 की 10 व्यवस्था अभी बनी हुई है। जाम का कारण सबसे बड़ा यही है कि जो ई रिक्शा का भरमार है पूरे शहर में, अभी उनके रूट को तय नहीं किया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि जितने भी ई रिक्शा स्टैंड चल रहे हैं उन ई रिक्शा स्टैंड का रूट तय किया जाना चाहिए, उन्हें किस रूट पे जाना है और कितने वाहन को जाना है यह तय किया जाना चाहिए, और यह जिम्मेदारी भी बनती है अधिकारियों की। तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ सामने निकल करके आ रही है कि जो अतिक्रमण हो रहा है, जाम लग रहा है पूरे शहर में हर जगह। अगर आपको लखनऊ में कहीं सफर करना है, यदि आपको चार बाद तक का सफर पॉलिटेक्निक से करना है, अंदर के रास्ते से जाते हैं अगर निषादगंज होकर के, तो आपको घंटों लगते पहुंचने में। कारण सबसे बड़ा इसका यह है कि गाड़ियों का रूट ना तय किया जाना, ई रिक्शा धरने से चलना बीच में, तो इन सबके लिए सब नियमावली बनाने की बात की जा रही है। मुख्यमंत्री लगातार इस चीज को कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात मनीष, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से वाहन चल रहे हैं, अभी हमारे मेरठ के सहयोगी बता रहे थे कि स्कूली वैन को देखा जाए कि स्कूली वैन में आखिर वैन में किस तरीके से बच्चों को भरा जाता है, 20-25 बच्चों को वैन में डाल करके स्कूल ले जाया जाता है, और मनमाफिक उनसे फीस भी वसूल किया जाता है, किराया भी वसूल किया जाता है। इस पर आरटीओ को और परिवहन विभाग को देखना चाहिए किस तरीके से बच्चों के लिए ये दुर्घटना का सबब बन सकता है। सबसे बड़ी समस्या लखनऊ में अभी जो जाम का कारण बन रहा है वो विद्यालय के सामने फरमान जो गाड़ियां हैं, वैन है, अनाधिकृत रूप से जो अपना एक समय सीमा पूरा कर चुकी है, 20-20 साल पुरानी गाड़ियां चल रही है, सीएनजी किट लगाए हुए, एलपीजी किट लगाई हुई है, उन पर भी रोकथाम लगाना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से साफ तौर पर कह दिया है कि किसी भी प्रकार की अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जो भी वसूली गैंग में शामिल होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, मुकदमे दर्ज किए जाएंगे और गाड़ी भी सीज की जाएगी। फिलहाल अभी कहीं पर धरातल पर अभी पुलिस की कोई कार्रवाई दिखती नजर नहीं आ रही। फिलहाल प्रमुख मुख्य सचिव ने आदेश कर दिया है अपने सभी अधिकारियों को, सभी मंडलायुक्त को और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को बता दिया गया, कह दिया गया है कि वो अभियान शुरू करें और 31 मई तक अभियान चलाया जाएगा इस तरीके का, जो भी अवैध डकामार वाहन और स्टैंड संचालित हो रहे हैं उन पर। जी, मेरठ से राजन हमारे साथ जुड़ने के लिए और लखनऊ से रितेश हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि आज से होगी विशेष अभियान की शुरुआत, जहां पे जहां जहां भी अवैध बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड व रिक्शा स्टैंड चलाए जा रहे हैं उन पे कार्रवाई की जाएगी। अवैध बस स्टैंडों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सीएम योगी ने सख्त आदेश दे रखे हैं कि जहां भी इस तरह की अतिक्रमण या अवैध टैक्सी स्टैंड चल रहे हैं उनको तत्काल रोका जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और ऐसे जगहों को चिन्हित किया जाए जहां से आराम से लोगों के आने जाने के आवागमन के साधन हो सके, जिससे कि यातायात में किसी प्रकार का व्यवधान ना पड़े।
बसपा प्रमुख मायावती ने आज विशेष बैठक बुलाई है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर रणनीति बनेगी। बता दें कि नागरी निकाय चुनाव में बसपा का जो प्रदर्शन है उसके आधार पर 2024 लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाई जाएगी। इसके अलावा बसपा को सभी जिले, विधानसभा सेक्टर और बूथ स्तर पर मजबूत करने के निर्देश भी दिए जाएंगे। इन्हीं निर्देशों के आधार पर आगे पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता काम करेंगे। वहीं नगरीय निकाय चुनाव में मिली हार के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा था कि पार्टी समय आने पर इसका बदला जरूर लेगी। साथ ही उन्होंने ट्वीट कर यह भी कहा कि यूपी में सत्ताधारी पार्टी द्वारा जन विरोधी गतिविधियां, गलत कार्यकल्पों आदि कमियों का चुनाव पर प्रभाव कम करने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, इसका देशपूर्ण दमनकारी व्यवहार और धर्म का राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल अति गंभीर और अति चिंताजनक है, जो लोकतंत्र के लिए घातक है। आपको बता दें कि आज बसपा की अहम बैठक होगी और बसपा की इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे 2024 की लोकसभा चुनाव में हम विजय श्री हासिल कर सकते हैं। इसके तहत वो अपने पदाधिकारियों को दिशा निर्देशित भी किया जाएगा, जिसमें अभी निकाय, हाल ही में निकाय चुनाव हुए थे, इसमें मायावती काफ़ी निराश हुई हैं। उनको निकाय चुनाव से जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें निकल के नहीं आ पाई हैं और उनको पराजय का सामना बहुत कई क्षेत्रों में करना पड़ा, जिसकी वजह से वो अब एक्टिव मोड में नज़र आ रही हैं और चाहती हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव को बड़ी मुस्तैदी और रणनीति के तहत लड़ा जाए, जिससे कि 2024 में एक अच्छा बहुमत निकाला सके और जनता के दिलों पर अपनी जगह बनाई जा सके। इसके तहत आज बसपा सुप्रीमो बैठक करने वाली है, जिसमें प्रदेश भर से उनके पदाधिकारी मौजूद होंगे, जिसमें वो अपने पदाधिकारी को निर्देशित करेंगी ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में एक रणनीति के तहत काम किया जा सके और बड़े स्तर पे जन समर्थन हासिल किया जा सके। वहीं एक तरफ मायावती ने प्रदेश सरकार पर आरोप भी लगाया है। उन्होंने, उनका ये कहना है कि सत्ताधारी पार्टी अपने हित को साधते हुए अपनी मनमानी करती नजर आ रही है, जिससे व्यवस्थाएं बाधित होती दिख रही हैं। इसी को लेकर मायावती आज रणनीति बनाने जा रही हैं और आज बैठक करेंगी। आपको बता दें, मिशन 2024 के लिए बनेगी रणनीति। मायावती, बसपा सुप्रीमो मायावती आज विधानसभा सेक्टर, सेक्टर प्रभारियों, बूथ प्रभारियों और अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक करने वाली हैं। मायावती की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। इसी बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर बसपा प्रमुख मायावती आज विशेष बैठक बुलाई है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर रणनीति बनेगी। बता दें कि नागरिक निकाय चुनाव में बसपा का जो प्रदर्शन है उसके आधार पर 2024 लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाई जाएगी। इसके अलावा बसपा की सभी जिले, विधानसभा सेक्टर और बूथ स्तर पर मजबूत करने के निर्देश भी दिए जाएंगे। इन्हीं निर्देशों के आधार पर आगे पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता काम करेंगे। इस खबर पर संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, आज मायावती बैठक करने वाली हैं, वहीं नगरीय निकाय चुनाव में मिली हार के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा था कि पार्टी समय आने पर इसका बदला जरूर लेगी। क्या लगता है आपको, मायावती की आज बैठक में वो क्या दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं अपने पदाधिकारियों को और 2024 की लोकसभा को लेकर क्या रणनीति बनाती नजर आएंगी? देखिए मनीष, जिस प्रकार से निकाय चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थिति 2017 के बाद से और भी ज्यादा खराब हुई है, उसको लेकर मायावती जो है एक बैठक करेंगी, चिंतन मनन करेंगी कि क्या कुछ वजह थी कि पिछली बार की अपेक्षा जो है इस बार बसपा का जो हाथ जो है पूरी तरीके से खाली रहा। पिछली बार 16 निगम की सीटें थी, जिसमें 14 भाजपा और 2 बीएसपी ने जीती थी, लेकिन इस बार 17 निगम की सीटों में 17 की 17 भाजपा ने जीत ली है और बीएसपी के खाते में जो 2 सीटें थी वो भी वो गवा चुकी है। इसके बाद बात करें तो कल ही मेरठ के जो प्रभारी थे प्रशांत गौतम, उनको हटा दिया गया है। आज गाज गिर रही तय है, तमाम जो जिले थे, जो तमाम मंडल थे, उनके प्रभारी भी आएंगे, जो स्टेट प्रभारी है वो भी आएंगे और सब जो है अपनी अपनी जिम्मेदारी जो है निकाय चुनाव और की हार का जो है अपने अपने क्षेत्र से अपनी अपनी जिम्मेदारी मानते हुए देखे जा सकते हैं। बात की जाए तो लगातार जो है बीएसपी की जो राजनीतिक जमीन है उत्तर प्रदेश में वो खिसकती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर मायावती अब एक्शन मोड में दिख रही है और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, उसको लेकर
काफी कुछ दिशा निर्देश इस बैठक में, जो बैठक आज होने वाली है 11 बजे से, उसमें देखे जा सकते हैं क्या कुछ जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, और जिनको भी जिम्मेदारियां मिलेगी वो जिम्मेदारियों का कितनी बेहतर तरीके से निर्वहन करते हैं ये भी देखना होगा। निकाय चुनाव से पहले भी मंडप प्रभारी बनाए गए, तमाम लोगों को जिम्मेदारी दी गई, बूथ बूथ पर लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी जो है इस निकाय चुनाव में सड्डी साबित हुई थी। अब एक एक करके उन प्रभारियों पे जो है वो निशाना जो है लगना शुरू हो चुका है। कल मेरठ में जो प्रभारी थे प्रशांत गौतम, उनको हटा दिया गया। अब आज जो है बारी तमाम लोगों के जो प्रभारी हैं वो अपनी अपनी रिपोर्ट देंगे कि कहाँ चूक हुई थी, उसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती निर्णय लेंगी। साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए जिस तरीके से बहुजन समाजवादी पार्टी को तैयारी करनी है, क्या कुछ करना है ताकि उसका कोर वोटर जो है वो उससे छटक के कहीं और ना जाए, अगर वो सीटें ज्यादा नहीं निकाल पाती है तो कम से कम किंग मेकर बनने का सपना मायावती देख रही है। संभवतः उनके नेतृत्व में ये आखिरी लोकसभा का चुनाव भी हो, क्योंकि जिस तरीके से वो फील्ड से गायब है, जनसंपर्क नहीं कर रही है, चाहे हमने देखा ये निकाय चुनाव में देखा, हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा कि मायावती काफी ज्यादा एक्टिव नहीं नजर आई थी, और निकाय चुनाव में तो बिल्कुल भी वो एक्टिव फील्ड पर नहीं दिखी थी। सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए जो है वो भारतीय जनता पार्टी और सपा पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी, तो आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी है, लेकिन ग्राउंड स्तर पर बसपा सुप्रीमो को खुद एक्टिव होना होगा ताकि उनके कार्य जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो मोटिवेशन फील करे, मोटिवेट हो और उत्साहित होकर बसपा के लिए काम करे ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट परसेंटेज बसपा इस लोकसभा चुनाव में बना पाए। एक आपसे जानना चाहेंगे, जब इलेक्शन की बात होती तभी मायावती एक्टिव नजर आती है, नहीं तो पूरी तरह से साइलेंट पड़ी रहती है। अब बात करें निकाय चुनाव आने वाला, तो निकाय चुनाव में भी इतनी फुर्ती या इतनी तेजी के साथ मायावती ने संगठन को निर्देशित नहीं किया, जिसकी वजह से उनको निकाय चुनाव में कल ही हार का सामना करना पड़ा है, और जब भी विधानसभा इलेक्शन होते तभी मायावती थोड़ा सा मीटिंगें शुरू कर देती हैं, लोगों से पदाधिकारियों से मिलना शुरू कर देती हैं ताकि वो अच्छे रिजल्ट पा सकें। एकदम से एक्टिव होने के बाद क्या रिजल्ट मिल पाते हैं? और अगर स्थिति की बात करें तो प्रदेश में मायावती की जड़ें कितनी आपको मजबूत नजर आती हैं इस समय, कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मायावती अगर तैयारी करती नजर आ रही हैं, इसी के तहत वो पदाधिकारियों से मीटिंग करने वाली हैं, लेकिन क्या इस समय आपको प्रदेश में मायावती की उतनी जड़ें मजबूत नजर आ रही हैं? मैं पहले भी बता चुका हूँ कि राजनीतिक जमीन जो है वो बसपा की अब खो चुकी है, और बहुजन समाजवादी पार्टी लगातार अपने उस खोई हुई राजनीतिक जमीन और विरासत को पाने के लिए आतुर दिख रही है। जिस प्रकार से निकाय चुनाव के खत्म होने के बाद सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का इल्जाम मायावती ने भाजपा पे लगाया, उसके बाद आज 11 बजे वो प्रदेश कार्यालय पे एक बैठक कर रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े पदाधिकारी, बसपा के जो प्रभारी रहे थे निकाय चुनाव में, वो सभी इससे इसमें सम्मिलित होते नजर आ रहे हैं। अगर निकाय चुनाव की बात करें तो निकाय चुनाव के पहले ही, जब निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका था, जब प्रत्याशियों का टिकट बट रहा था, उस समय बसपा की स्थिति ऐसी थी कि कोई बसपा के झंडे के तले टिकट लेना नहीं चाहता था, चुनाव लड़ना नहीं चाहता था। जितने भी लोगों को टिकट दिया गया, या तो सपा से बागी होके आए या तो भाजपा से बागी होके आए। तो इस बार जो है इस पे भी कार्रवाई हुई थी कि जो प्रभारी हैं वो प्रत्याशी नहीं खड़े कर पाए, कोई प्रत्याशी मायावती की पार्टी से लड़ना नहीं चाह रहा था, जिसका खामियाजा निकाय चुनाव में मायावती की पार्टी को, बहुजन समाजवादी पार्टी को भुगतना भी पड़ा था। जिस प्रकार से आज बैठक हुई है, तमाम बड़े निर्देश दिए जा सकते हैं बसपा सुप्रीमो के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को, ताकि जो उनका कोर वोटर है वो उनसे संतुष्ट रहे, जो वोटिंग परसेंटेज है लोकसभा चुनाव में बसपा का वो उसको दुरुस्त किया जाए, क्योंकि लगातार जो है वोटिंग परसेंटेज बसपा का गिरा है, चाहे वो विधानसभा की बात करें, चाहे वो लोकसभा की बात करें, चाहे वो निकाय चुनाव की बात करें। तो सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी जो है अपने कोर वोटरों पर फोकस रखेगी, ताकि कोई और पार्टी जो है वो उनसे कोर वोटरों को झटक न ले जाए। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सेंधमारी जरूर बसपा के कोर वोटर में की है, लेकिन अभी भी उनका एक धड़ा जो है जो प्रो मायावती है वो उनसे जुड़ा हुआ है, बैनी से जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से उनके अलावा सभी कोर वोटरों को साझने की आज प्लानिंग की जा सकती है, दिशा निर्देश दिए सकते हैं, ताकि लोकसभा चुनाव में अच्छी खासी वोट परसेंटेज जो है मायावती की रहो, और कुछ सीटें भी निकल के आए, ताकि लोकसभा में मायावती का खाता खुले। विधानसभा में एक सीट है उनके पास, निकाय चुनाव में सड्डी साबित हुई, लोकसभा में कुछ सीटें जीत कर जो है वो बसपा की जो खिसकती हुई राजनीतिक जमीन है
उसको जो है ढूंढने का प्रयास कर रही है। विवेक, इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि मायावती की अध्यक्षता में आज बैठक होने वाली मिशन 2024 के लिए रणनीति बनने का पूरा खाका तैयार है। आज मायावती अपने पदाधिकारियों के साथ मिलकर उनको आगे की रणनीति और दिशा निर्देश करेंगी ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में कैसे विजय हासिल की जा सके। हरदोई में पत्रकारों के साथ की लूट और मारपीट का मामला सामने आया। बता दें कि पाली कस्बे के मोहल्ला बिरहाना के रहने वाले पत्रकार के रिश्तेदारों के साथ भारपुर स्थित पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने मारपीट की है। सूचना मिलने पर बीच बचाव करने पहुंचे पत्रकार और उनके एक अन्य साथियों पर बदमाशों ने हमला बोल दिया और जमकर मारपीट की। इसके बाद घर आते वक्त बाइक से टक्कर मारकर उनको गिरा दिया और लूटपाट की गई है, जिसका एक CCTV वीडियो भी सामने आया है। मामले में पुलिस ने दोषियों पर कार्रवाई की बजाय बदमाशों की तहरीर पर पुलिस ने 4 पत्रकारों के विरुद्ध नामजद FIR दर्ज की। पत्रकार ने बताया कि उपरोक्त घटना के संबंध में बदमाशों की करतूतों के बारे में वह समय समय पर पुलिस अधिकारियों को अवगत कराता रहा, फिर भी पुलिस अधिकारियों ने बदमाशों के मन मुताबिक कार्रवाई करते हुए 4 पत्रकारों के विरुद्ध मनगढ़ंत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस खबर पर संवाददाता हरदोई से हर्षराज मौजूद है। हर्षराज, पत्रकार के साथ बदमाशों ने मारपीट करी है और उल्टा पुलिस अधिकारियों ने बदमाशों का ही समर्थन करके पत्रकारों को ही के खिलाफ कार्रवाई कर दी, क्या मामला है पूरा ये? मनीष जी, बताना चाहेंगे, ताजा मामला पाली नगर का है जिसमें पाली कस्बे के मोहल्ला बिरहाना निवासी एक पत्रकार के रिश्तेदार से भापुर स्थित पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने मारपीट की थी। सूचना मिलने पर बीच उचाव करने पहुंचे पत्रकार और उसके अन्य पत्रकार साथियों पर बदमाशों ने हमला बोल दिया और जमकर मारपीट की। इसके बाद घर आते वक्त कस्बे बरगद चौराहे के पास बाइक से टक्कर मारकर गिरा दिया और लूटपाट पर मारपीट की गई, जिसका एक CCTV वीडियो भी सामने आया है। मामले में बदमाशों की तहरीर पर ही पाली थाने के पुलिस ने 4 पत्रकारों के विरुद्ध नामजद FIR दर्ज की, जबकि पत्रकारों ने मामले में CEO शाहबाद हेमंत उपाध्याय व SP राजेश द्विवेदी को अवगत कराया था, जिसके बावजूद ही सत्ता संरक्षण के उस पर बदमाशों की तहरीर पर पीड़ित पत्रकारों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। पत्रकारों ने बताया उक्त घटना के संबंध में बदमाशों के करतूतों के बारे समय समय पर पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया है, लेकिन फिर भी पुलिस अधिकारियों को और बदमाशों ने जो तहरीर दी तो उसके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया। जी हर्षराज, पत्रकारों के परिवार वालों का इस पे क्या कहना है और अगर संबंधित अधिकारी से बात करें तो अधिकारियों ने इस पे कार्रवाई वीडियो देखने के बाद भी क्यों नहीं करी, उनका क्या कहना है इस पे? मनीष जी, बताना चाहेंगे सत्ता के संरक्षण में यह सब हो रहा है। पुलिस अधिकारियों के मतलब जो पत्रकार के पत्रकार जो है उनके परिवार वालों ने जब पुलिस से गुहार लगाई है तो पुलिस इसमें कह रही है विधिक कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल ये उठता है सत्ता के हनक में पत्रकारों के ऊपर खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा है। जी क्या बदमाशों को कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और इस कारण से ऐसा कुछ आपको नजर आ रहा है कि पत्रकारों को उसमें जो है उल्टा फंसा दिया गया? मनीष जी, बताएं आपको सत्ता के संरक्षण में ये सब खेल हो रहा है। पुलिस जानकर भी अनजान बनी हुई है, मूक दर्शक बनी हुई है। पत्रकार समय समय पर उनको अवगत कराते रहे हैं, खनन माफिया हावी है वहां पे, सत्ता के उसमें सब खेल चल रहा है। पत्रकारों के इसीलिए विरुद्ध ये मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि पत्रकार निर्दोष है और जो बदमाश थे उनकी तहरीर से ही पीड़ित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देती है पुलिस। हरदोई पुलिस जो है यहाँ की सब कुछ जानबूझ के अनजान बनी हुई है। जी आगे पत्रकारों का क्या स्टैंड है इस पे? हसराज, आगे पत्रकारों का इस पे क्या स्टैंड है? आगे पत्रकारों ने क्या योजना बनाई कि कैसे वो दोषियों को? जब इस बाबत पत्रकारों से बात हुई वो कह रहा है मेरा कोई दोष नहीं है, मैं निष्पक्ष जांच इसकी कराऊंगा, लेकिन जब सत्ता के जो यहाँ के हैं जो वो लगातार कहीं ना कहीं पुलिस पे दबाव बनाए हुए हैं, पुलिस भी पत्रकारों की कोई बात नहीं सुन रही है। उनको ये चाहिए था कि निष्पक्ष जांच करके जो पीड़ित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया उसको हटाया जाए। बात बाकी जो भी है, सत्ता के अगर उनको दोषी है, अगर पत्रकार दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, अन्यथा उनको निर्दोष फरी किया जाए। जी कहीं पुरानी किसी रंजिश के तहत तो ये बदमाशों ने ये कार्रवाई नहीं करी पत्रकारों पर? मनीष जी, सुनने में ये आ रहा है कि अभी नगर निकाय चुनाव हुए हैं तो इसमें ये हुआ है कि सत्ता के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं हार का सामना कर रहे हैं और इन्होंने खबर असली चलाई थी पत्रकारों ने, इसी वजह से ये मुकदमा दर्ज किया जा रहा है कहीं ना कहीं। जी जी हर्षराज, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ओवरलोड बालू के खनन पर पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई की है। यूपी के कौशाम्बी जनपद में बालू घाटों पर हो रहे अवैध खनन और परिवहन के विरुद्ध डीएम और एसपी ने संयुक्त रूप से टीमें बनाकर रात्रि में आकस्मिक निरीक्षण किया है और अभियान चलाकर 73 ओवरलोड वाहनों को सीज किया है। डीएम एसपी की इस कार्रवाई से अवैध खनन और परिवहन करने वालों में हड़कंप मच गया है। देखिए, कल मेरे और जिलाधिकारी के द्वारा संयुक्त टीम बना करके पूरे जनपद में जो ओवरलोड गाड़ियां चल रही थी उनके खिलाफ एक अभियान देर रात में चलाया गया था, जिसमें पूरे ज़िले में कुल 73 गाड़ियों को जो ओवरलोड थी उनको सीज किया गया है। हम लोग पूर्व में भी जहां खदान हो रही है और जहां अवैध खदान की शिकायत प्राप्त हो रही है उससे आकस्मिक रूप से छापेमारी की जा रही है और इस चीज़ को इंश्योर किया जा रहा है कि कहीं से अवैध खनन ना हो और बालू का अवैध परिवहन और जो ओवरलोड गाड़ियां चल रही जिससे हमारी सड़कों को नुकसान हो रहा है उनके खिलाफ हम लगातार कार्रवाई करते रहेंगे। ये अभियान सर एक दिन का था कि लगातार? संवाददाता जिया रिजवी हमारे साथ जुड़ चुकी कौशाम्बी से। 73 ओवरलोड वाहनों को सीज कर दिया गया है डीएम और एसपी के माध्यम से, ये पूरा क्या मामला है और क्या ये अवैध तरीके से ओवरलोड ट्रक निकाले जा रहे थे? बताना चाहूंगा कि डीएम और एसपी की यह सही कार्रवाई, सही टीम बना के ये कार्रवाई करी गई। कई दिनों से मीडिया में ये खबरें दिखाई जा रही थी कि ओवरलोड बालू जो है रोड पे रात भर ओवरलोड बालू की गाड़ियां रोड पर फर्राटा भर रही। तो कल डीएम और एसपी और खनन अधिकारी ने एक संयुक्त टीम बना के इस पर कार्रवाई करते हुए 73 ओवरलोड गाड़ियों को जो है सीज किया है। जी हाँ, कई बार ये चीज़ें देखने के मिली कौशाम्बी जनपद में बालू घाटों पर हो रहे बराबर अवैध खनन की चर्चाएं सुर्खियों में रहती हैं। जब इतने बड़े मामला लंबे समय से चलता आ रहा है तो उसमें डीएमएसपी द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? जीत में ये एक बड़ा सवाल है। एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव ने जो है ये अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई करी है, लेकिन अब सवाल ये है कि अगर जिले के मोरंग खदानों से अवैध परिवहन नहीं हो रहा हो तो फिर सड़कों पर कतारबद्ध ओवरलोड वाहन शाम डालते ही फर्राटा कैसे भरते हैं? अगर ये बेहतर ये होगा कि पहले खदानों से अवैध परिवहन पर सख्त एक्शन हो, फिर सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि मीडिया जो है लगातार ओवरलोड की खबरों को लगातार प्रकाशित करता रहता है। उसके बाद जो है कल डीएम और एसपी ने इस पे जो है कार्रवाई करी। जी जी, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पीलीभीत के बजरिया गांव के पास चारा काटने गए युवक पर तेंदुए ने हमला कर दिया। बता दें कि पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव बजरिया का रहने वाला युवक शैलेंद्र यादव अपने पशुओं के साथ चारा काटने के लिए जंगल के नजदीक गया हुआ था। इस दौरान अचानक पीछे से तेंदुए ने हमला कर दिया। यह देख युवक घबरा गया और चीख पुकार सुनकर पड़ोस में ही काम कर रहे अन्य लोग भी मौके पर पहुंच गए, जिसे तेंदुआ मौके से भाग गया और युवक की जान बच गई। वहीं ग्रामीणों ने एम्बुलेंस की मदद से घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। क्या नाम है आपका? शैलेश यादव। शैलेश, क्या हुआ, कैसे तेंदुए ने आपको पर हमला कर दिया? तो चारा काटने गया था, चारा बैठ के काट रहा था, तभी उसने अचानक पीछे से चपेट मारी, लगने छोड़ दिया। तब पड़ोस के लोग बाहर थे, उन लोगों ने बचाया। कहाँ के रहने वाले हो? बजरिया। उत्तर प्रदेश में गर्मी और लू से लोग बेहाल हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने 27 जिलों में आंधी पानी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें कि आगरा और झांसी में हुई जोरदार बारिश से इस दौरान तकरीबन 10 मीटर तक ओले गिरे और वहीं लखनऊ का अधिकतम तापमान 41.7 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम पारा 25.2 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि 44.2 सेंटीग्रेड के साथ प्रयागराज सबसे गर्म शहर रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने आज वेस्ट यूपी में 27 जिलों में बारिश की संभावना जताई है, जिससे बागपत, बरेली, बदायूं, आगरा, मथुरा, मुरादाबाद, अमरोहा, गाजियाबाद आदि शहर शामिल हैं। हालांकि पूर्वी यूपी में 24 जिलों में अगले 3 दिन में भीषण गर्मी पड़ने के आसार हैं। कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, कन्नौज, चित्रकूट, कानपुर देहात आदि शहर शामिल हैं। इसमें गर्मी से पारा 3 डिग्री से तक बढ़ सकता है। इस खबर पर संवाददाता सुहानी हमारे साथ जुड़ चुकी है। सुहानी, गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, इससे आम आदमी को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है?
बता दें कि जो गर्मी का जो पारा है वो बढ़ता ही जा रहा है, साथ साथ इसके जो लू चल रहा है उससे भी बहुत ज्यादा लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। वही आपको बता दें कि लोगों को ऑफिस आने जाने या चाहे वो बच्चों का हो उनके स्कूल के समय में भी बदलाव किया गया है। वही आपको बता दें लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में जो 1 से लेकर 8 तक जो बच्चों का स्कूल को बंद किया गया है 20 मई से लेकर 15 जून तक, वही बड़ों बच्चों का जो कॉलेज है उसके भी समय बदलाव किया गया है, क्योंकि ये जो इतना जो बहुत भयानक जो गर्मी पड़ी, रिकॉर्ड तोड़ जो गर्मी पड़ी है 40 से 30 से 35 सेल्सियस फरनहाइट बताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो गर्मी है जानलेवा भी हो सकता है, इससे कई ऐसे बीमारियां भी हो सकती है। लेकर जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो कहीं ना कहीं से अलर्ट है, वही मौसम विभाग भी इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है कि जो भी है जैसे बच्चों के लिए हो चाहे जो वो अपने पूरी से इस पे सावधानी, क्योंकि ये जो गर्मी है उसे कहीं ना कहीं अपने हमारे स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसे लेकर तमाम जो चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो चाहे वो अपने शरीर के लिए जो भी हो उसके लिए पूरी सरकार अलर्ट है, आज मौसम विभाग ने इसे अलर्ट किया है, क्योंकि ये जो गर्मी है वो पूरा तमाम क्योंकि कहा जा रहा है कि जो बांग्लादेश के जो तूफानी चक्रवात है मौका उससे कहीं अगर प्रभाव पड़ा तो बूंदाबांदी का असर हो सकता है। वही आपको बता दें कि तमाम 5-6 राज्यों में ऐसे है जहां पे अलर्ट किया गया है कि बाहरी तूफान के साथ बूंदाबांदी हो सकता है। जी मणि स्वानी, इस खबर पे जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों बस इतना ही, देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।